हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लैक्मे 925 सीसी क्रीम का रिव्यू प्लस डेमो। सो ये जो मेरे पास है ये है 99 रुपीज़ का 9 ग्राम का छोटा पैक है जो 99 रुपीज़ वाले का है। उसमें आपको सिर्फ दो शेड मिलते हैं, बेज और ब्रॉन्ज। तो जो ब्रॉन्ज है वो थोड़ा सा वेटिश टू डस्की स्किन टोन के लिए है और यहाँ पर मैंने लिया है 01 बेज, ठीक है। तो अगर आप 99 रुपीज़ वाला लेंगे तो आपको सिर्फ दो शेड मिलेंगे, लेकिन इससे जो बड़ा वाला आता है उसमें आपको चार शेड मिलते हैं, बेज, हनी, ब्रॉन्ज, आलमंड। बेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेयर टू लाइट स्किन टोन के लिए होता है, हनी फेयर टू वेटिश स्किन टोन के लिए होता है, और थर्ड जो ब्रॉन्ज है वो वेटिश स्किन टोन के लिए होता है, फोर्थ जो है वो डस्की स्किन टोन के लिए होता है। सो क्योंकि यहाँ पर मैंने छोटा वाला लिया है जिसमें सिर्फ दो शेड आते हैं, इसलिए मैंने 01 बेज लिया है। गाइस, लैक्मे 925 सीसी क्रीम में आपको SPF 30 भी मिलता है और आप इसको डेली यूज़ के लिए भी, मतलब डेली मेकअप, ऑफिस मेकअप में भी कर सकते हैं बहुत ही थोड़े से अमाउंट में यूज़ करके, और आप इससे पार्टी मेकअप भी कर सकते हैं। सो चलिए अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। तो इसका बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट मैं लूँगी, बिल्कुल मक्खन जैसा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने इतना सा लिया है। और आप इसको मेकअप ब्रश से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फिंगर से यूज़ करने का सही तरीका नहीं पता है तो ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही बार में यूज़ करते हैं तो फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर या फिर मेकअप ब्रश ही यूज़ करें, लेकिन मैं बहुत ही थोड़े थोड़े अमाउंट में यूज़ करूँगी इसको, ठीक है। तो मैं इसको फिंगर से ही यूज़ करूँगी। सो इसे यूज़ करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर ले, क्लीन कर ले। इसको मैं इस तरीके से हल्का हल्का लेके पहले थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते जाऊँगी और फिर मैं मिक्स भी करते जाऊँगी इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एज अ कंसीलर भी यूज़ करूँगी। सो गाइज, आप ये वाले साइड में और ये वाले साइड में डेफिनेटली डिफरेंस देख सकते हो। इसको अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, इसके बाद आप चाहें तो इसको कॉम्पैक्ट से या फिर लूज़ पाउडर से सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली मेकअप कर रहे हैं, ऑफिस मेकअप कर रहे हैं, तो फिर आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यूज़ ना करें। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो फिर आप सेट कर सकते हैं इसको कॉम्पैक्ट या फिर लूज़ पाउडर से। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है और मैं कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर से इसको सेट नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं इसका कवरेज, अगर आपको थोड़े बहुत डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो ये उसको कंसील करेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है, तो ये उसको हाइड नहीं करेगा। बहुत ही एवरेज और नॉर्मल इसका कवरेज है, जो कि बहुत ही नेचुरल लगता है आपका फेस जिससे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही हल्का सा लिया था, उसमें भी ये मैंने इतना ही कम यूज़ किया है। सो आप इसको बहुत ही कम यूज़ करें, नेचुरल अगर आपको लुक चाहिए तो। सो फ्रेंड्स, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, इसका छोटा पैक मैं आपको सजेस्ट करूँगी, पहले आप छोटा लीजिए, ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में आप इसमें दो शेड आराम से मिल जाएंगे। सो आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं, तो इसको ट्राई कीजिए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को कर ले लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसी ढेर सारी ब्यूटी वीडियोज़ जब भी अपलोड करूँ तो आप उसको देख सके, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।